असंतुलित वातावरण को संतुलित करने और हरियर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने लगातार तीसरे वर्ष 6 जुलाई को महावृक्षारोपण अभियान को सफल करने निगम भिलाई द्वारा भी वन होम वन ट्री की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत वृक्षारोपण करने के इच्छुक व्यक्तियों को निगम भिलाई द्वारा वृक्षों के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दुर्ग जिला कलेक्टर श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, निगम आयुक्त निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल की पहल से भिलाई निगम क्षेत्र में 6 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 15,000 पौधों का रोपण किया जाना है, जिसके लिए वन होम वन ट्री का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर वह व्यक्ति जो पर्यावरण को संतुलित करना चाहता है और वातावरण को शुद्ध करने के लिए वृक्षारोपण करना चाहता है, उन्हें नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा निःशुल्क फलदार छायादार वृक्ष के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। भिलाई में कई ऐसे दुकानदार भी हैं जो पौधों का विक्रय करते हैं और लोग उत्सुकतावश वहां से पौधे खरीदकर अपने घरों के आसपास लगाकर खूबसूरती भी बढ़ाते हैं और वातावरण को शुद्ध करने का काम भी करते हैं, परंतु निगम भिलाई द्वारा ऐसे सभी लोगों के लिए निःशुल्क पौधों का वितरण किया जाता है। यदि आप भी चाहें तो नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय या किसी भी जोन कार्यालय से संपर्क करके पौधे प्राप्त कर सकते हैं। वन होम वन ट्री अभियान हरियर छत्तीसगढ़ के तहत पूरे निगम क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए चलाया जा रहा है। देखिए माननीय महापौर, माननीय कलेक्टर साहब और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है वन होम वन ट्री का महाअभियान जो है ये इसका तीसरा साल होगा और तीसरे साल में इस अभियान के तहत में चूँकि ये देखा जाता है कि जो आम नागरिक हैं उनको पौधे प्राप्त नहीं हो पाते हैं, नगर निगम की मंशा तो हमेशा रहती है कि एक पौधे उनको फ्री निःशुल्क प्रदाय करें, उसी के तहत में जो पौधे लगाना चाहते हैं जिनके पास पौधे की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, उपलब्धता नहीं होती है, वो हमसे पौधे प्राप्त करेंगे निगम से और वो अपने घरों में जो है अपने जो खाली स्थान है वहाँ पर पौधे रोपित करेंगे उपयुक्त स्थलों पर। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ में 6 जुलाई को वृक्षारोपण महाअभियान का आयोजन जो है नगर पालिका निगम भिलाई में किया जाएगा। इसके तहत में 15,000 प्रारंभिक तौर पर प्लांटेशन रोपित करने का लक्ष्य जो है नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा रखा गया है और इसके स्थल की तैयारी जो है वो सभी जोन आयुक्त के माध्यम से की जा रही है और इसकी समीक्षा बैठक भी जो है लगातार आयुक्त महोदय कर रहे हैं। इनकी ड्यूटी आदेश, पर्टिकुलर जो ड्यूटी आदेश है, इसके नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी अधिकारियों की नियुक्ति माननीय आयुक्त महोदय ने कर दी है। इस अभियान को सफल बनाने की मेरे सभी आम नागरिकों से भी अपील है कि वे आए और अपने जो रुक्त भूखंड है, आसपास में जो खाली स्थान है, जो उपयुक्त स्थान है, जिसको देखते हुए प्लांटेशन करें, वृक्षारोपण करें और उसको जीवित रखने का प्रयास करें। ये ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है कि पौधों को लगाने के बाद में जीवित रखा जाए और कैसे रखा जाए, इसलिए जीवित रखना बड़ा कॉन्सेप्ट होगा। इसलिए मेरे सभी से अपील है कि पौधे को लगाने के साथ में जीवित रखें। लगातार 3 वर्षों से चल रहा यह महाअभियान इस वर्ष और ज़्यादा सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस अभियान को सफल बनाने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई ने अपनी कमर कस ली है और प्रचुर मात्रा में वृक्षों के पौधे नर्सरी में उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।